सभी को मेरा मार नर्वदे यार। और आज हम सिमिलर ट्राइंगल्स और सर्कल्स के ऊपर है, मतलब इन दोनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बेस्ड है बोर्ड का, जो कंटिन्यूअसली 1999 एंड 2001 में रिपीट हुआ। अगर आप बोर्ड की पेपर चेक करते हैं तो उसमें देखिएगा। और इस क्वेश्चन का मैंने नाम दिया लेजेंड क्वेश्चन, बहुत धांसू क्वेश्चन है और आप अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा लगेगा आपको करने में। आइए करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये क्वेश्चन है हमारा लेजेंड क्वेश्चन, पढ़ के बता दूंगा आपको मैं। इन अ सर्कल पी ए बी इज अ सेकेंड एंड पी टी इज अ टेंजेंट, देन प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। फिर से पढ़िए, फिर से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक सर्कल दिया है सेंटर के साथ, जिसमें पी ए बी सेकेंड है। सेकेंड में आपको बता चुका हूँ क्या होती है, जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे या यानी काट के जाए। ये देखा, पी ए बी इज अ सेकेंड एंड पी टी इज अ टेंजेंट, वही कॉमन पॉइंट है दोनों का, पी टी एक टेंजेंट है। तो इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अब आइए पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते, कोई भी सर्कल में सेंटर दिया हो तो गिवन। आपको मालूम है सर्कल का गिवन कैसे लिखा जाता है, अ सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये हमारा गिवन है। अब टू प्रूफ लिख लेते हैं। तो हमारा टू प्रूफ है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। जो आपको पी टी स्क्वायर दिख रहा है, जो आपको पी टी स्क्वायर दिख रहा है इसमें टू प्रूफ में, पी ए इंटू पी टी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये पी टी स्क्वायर बॉस है। बॉस यानी इसको राइट हैंड साइड चाहिए। जब सॉल्यूशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़िए, सब कुछ अच्छे से सुनिए और रिपीट करिए आप जब वीडियो देखें तो। अब इनको ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले जो जो पॉइंट मार्क करें ओटी को ज्वाइन कर देते हैं, और यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहले ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। यह हमने कंस्ट्रक्शन इसलिए करा है क्योंकि आपको जब सॉल्यूशन में कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेजेंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, हमने कंस्ट्रक्शन करा है। अभी पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं। जो जो आपको पॉइंट दिए वो सेंटर से ज्वाइन कर दीजिएगा आप, सिंपल ट्रिक है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन को सबसे पहले रूल लगाएंगे, रूल जैसे अपनी हैबिट रहती, फर्स्ट रूल पीटी स्क्वायर चाहिए, पीटी स्क्वायर चाहिए टू डू राइट हैंड स्क्वायर, राइट हैंड साइड पीटी स्क्वायर चाहिए, बॉस है पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर चाहिए। तो पहले टू ग्रुप को देखे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टू ग्रुप को देखे ट्राइंगल लेते हैं। तो पीटी स्क्वायर शेड कर लीजिए कहां आ रहा है। और सबसे पहले जब पीटी स्क्वायर के लेने के बाद अपन ने ये ओटी जो ज्वाइंट करा था, तो इसका रीजल्ट अपन को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ओटी अपन ने ज्वाइन कर दिया और क्या बनाई, तो ये प्रूफ में ही आएगा। ओटी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, रीजन आप पूरा लिखेंगे, डैश डैश करके नहीं लिखेंगे। तो रीजन होता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, रीजन मतलब थ्योरम वन, थ्योरम वन के कारण ही परपेंडिकुलर बना, अपने आप हो जाएगा। आपको और कुछ इसका रीजन नहीं देना, जो मैं दे रहा हूं वही देना। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट दैट इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हमारी थ्योरम वन का रीजन था, अपन ने ज्वाइन करा था परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, थ्योरम वन पुट कर दी इस कारण हो जाएगा। जहां पे भी हमको सेंटर दिया सबसे पहले हमको थ्योरम वन लगा देनी है अपनी, कुछ नहीं मालूम हमको, हमको थ्योरम वन लगा देनी है। इन सबके मार्क्स रहते हैं, ये जो मैंने सोल्यूशन लिखा है इन सबके मार्क्स रहते हैं बोर्ड में, एक एक स्टेप के मार्क्स रहते हैं। अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अगले स्टेप में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि अपन को पीटी पी ए इंटू बी बी इक्वल टू पीटी स्क्वायर, ये अपना टू प्रूफ है। तो अपन आइए पीटी स्क्वायर चाहिए राइट हैंड साइड, जो कि बॉस है, इस ट्राइंगल में शेड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो लगेगा सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पीटी हो, इन ट्राइंगल पीटी हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे,
ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। रीजन बाय पायथागोरस थ्योरम। जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस रहता है। आपको पायथागोरस थ्योरम लगाने में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो अपन ने पायथागोरस थ्योरम लगा दी, फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर बाय पायथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लगाई अपन ने, जो अपन को चाहिए। अब आपको देखना है, जैसे मैंने बताया था जो पीटी स्क्वायर टू प्रूफ में चाहिए बॉस है, राइट हैंड साइड चाहिए, तो ये ओटी स्क्वायर को यहाँ ले जा इस साइड ले आएंगे। तो आइए करते हैं, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर इक्वल टू पीटी स्क्वायर। तो अपना एक मोटिव पूरा हुआ है कि यार अपना पीटी स्क्वायर राइट हैंड साइड आ गया है। सो ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर इक्वल टू पीटी स्क्वायर। अब अपन देखते हैं अपन ओपी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। आइए तो अपन देखते हैं ओपी स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। तो ओपी स्क्वायर ये बड़े वाले ट्राइंगल्स में देखिए क्योंकि 90 डिग्री है। ओपी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। ओपी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। ट्राइंगल में देख के लिखिएगा, ये अपना सेकेंड रूल है जो अपन लगा रहे हैं। तो रूल्स कहीं ना कहीं लगते ही लगते हैं, ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर माइनस ओटी। अब जैसा कि आपको दिखा रहा है ये ओटी ओटी स्क्वायर, यहां पर जो आया ये ओटी स्क्वायर। अब ओटी स्क्वायर जैसे कि आपको दिखा रहा है रेडियस है, रेडियस सब एक जैसी होती है, सर्कल से सेंटर की इक्वल डिस्टेंस होती है। तो अपन इस ओटी स्क्वायर को ओए स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो लिख देते हैं बिना कुछ रीजन के ओए स्क्वायर इक्वल टू पीटी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिएगा ओए स्क्वायर। तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर इक्वल टू पीटी स्क्वायर, सिंपल स्टेप था, इसको यहाँ पे लेकर आ गए। अब इसके आगे अपन ओपी स्क्वायर को तोड़ के लिख देंगे, वो भी आपको आता है, मैं समझा चुका हूँ आपको रूल्स में। अब माइनस ओटी स्क्वायर रेडियस है एक, तो रेडियस सब इक्वल होती है, इस कारण अपन ओटी स्क्वायर की जगह ओए स्क्वायर लिख दिया क्योंकि वो भी इक्वल है। तो ओए स्क्वायर क्योंकि अपन को टू प्रूफ लाना है, उसके ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन हो चाहिए, इक्वल टू पीटी स्क्वायर। अब आप वैसे लिख देंगे ओ एम स्क्वायर, उनको ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर माइनस। अब ओ ए स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, ओ ए स्क्वायर को सेकंड रूल लगाएंगे तोड़ेंगे, और आपको मालूम है एक ट्राइंगल में एक ही बार पायथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल से लेंगे ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर को, ये अपन को तोड़ना है ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बट 5 मार्क्स का आ चुका है क्वेश्चन। तो आपको जैसे कि समझ में आया स्टेप, ओ ए स्क्वायर को अपन ने सिंपल ओ ए स्क्वायर को तोड़ा है, मतलब उसकी वैल्यू निकाली है ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल से। क्योंकि अब दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा क्योंकि अपन सब ट्राइंगल में लगा चुके हैं पायथागोरस थ्योरम। अब आइए सिंपल आपको दिख रहा है क्या सॉल्व हो रहा है, मैच करेंगे आप सॉल्व क्या हो रहा है, ओ एम स्क्वायर और माइनस ओ एम स्क्वायर पहले कैंसिल हो रहा है। अब जो बचा आप सिंपल लिख दीजिए उसको, स्टेप के मार्क्स होते हैं बोर्ड में, ध्यान रखिए। पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये अपना आ गया। तो अपन ये ए, अब आप आगे सोचिए क्या कर सकते हैं, पहले आप सोचिएगा। तो अपन ने सोचा कि अपन फर्स्ट गैप क्या कर सकते हैं, तो अपन को दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये ए मान लीजिएगा, ये बी मान लीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इन ब्रैकेट्स इंटू ए माइनस बी इन ब्रैकेट्स, लिख दीजिए ये ए है, कंफ्यूजन ना हो आप मार्क कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी पी एम प्लस ए एम इन ब्रैकेट्स इंटू पी एम माइनस ए एम इन ब्रैकेट्स इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो इतना आ गया। अब आप फिगर में ध्यान दीजिए कि ये इसको सॉल्व करने के बाद ये होता क्या है। अपन ने कुछ नहीं करा, सिंपल यहाँ इस वाले स्टेप में अपन ने आइडेंटिटी लगा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो अब अपनी आइडेंटिटी लग चुकी है, जैसा कि आप अपन को सॉल्व करना है। तो फिगर में देखिए पी एम प्लस ए एम, पी एम प्लस ए एम, पी एम प्लस ए एम, पी एम प्लस ए एम कुछ नहीं होता है, पी एम प्लस ए एम कुछ नहीं होता है, पी एम प्लस ए एम कुछ नहीं होता है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए एम इक्वल ए एम ओ एम एक परपेंडिकुलर है, तो ए एम इक्वल्स टू ए बी एम बी, मतलब जैसा कि अगर अपन ये एक्स लेते तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ए एम इक्वल्स टू एम बी, तो आपको ध्यान में रहेगा।
पीएम प्लस एएम, पीएम प्लस एएम कुछ नहीं होता, तो अपन पीएम वैसे लेके रहने देंगे, प्लस एएम की जगह एम भी लिख देंगे क्योंकि दोनों एक है परपेंडिकुलर, क्योंकि दो साइड को बांट देता है, मीडियम की तरह ऐड कर रहा है वो। आइए पीएम प्लस एम भी लिख दिया इनटू, यहां पे देखते हैं पीएम माइनस एएम क्या होता है। अपन ने जो आइडेंटिटी लगा थी वो सॉल्व कर रहे हैं, पीएम माइनस एएम, 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 पीए होता है, पीएम माइनस एएम होता है पीए इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। अब अपना आखिरी स्टेप बचा है और अपना क्वेश्चन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो आइए देखते हैं पीएम प्लस एमबी क्या होता है, पीएम प्लस एमबी क्या होता है, पीएम प्लस एमबी, पीएम प्लस एमबी, पीएम प्लस एमबी होता है पीबी, लिख देंगे अपन पीबी, इन दोनों की जगह पीबी क्योंकि वही होता है, इनटू पीए इक्वल टू पीटी स्क्वायर बॉक्स हैंस प्रूफ। हाँ, तो अपना आखिरी स्टेप भी आ जाता है जो कि आंसर आ जाता है पीबी इंटू पी ए इक्वल टू पी टी स्क्वायर, पीबी इंटू पी ए इक्वल टू पी टी स्क्वायर, मिला लीजिए आप एंस प्रूव हो चुका है अपना। और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको ईयर बताया थे 5 मार्क्स का आया, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आपको सिमिलर ट्राइंगल्स में भी आ सकता है या सर्कल्स में भी पूछा जा सकता है, इस कारण से मैंने आपको वहां पर दो चैप्टर की हेडिंग डाली थी। सो थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड शेयर दिस वीडियो और अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन पर मार्क नरोदय।